नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है और स्वाद में बिल्कुल मार्केट के जैसा होता है। इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो मावा की ज़रूरत पड़ती है और ना ही दूध फाड़कर छेना निकालने की ज़रूरत है। बस दूध, शक्कर और नारियल पाउडर से बिल्कुल कम सामान में एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट सुपर टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो ये सुपर टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप फुल क्रीम दूध, 200 ग्राम नारियल पाउडर, 100 ग्राम पीसी हुई शक्कर, 100 ग्राम मिल्क पाउडर और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम करके उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दे रही हूँ। घी पिघल जाने के बाद मैं उसमें 200 ग्राम नारियल पाउडर डालकर हल्की आंच पर लगातार चलाते हुए भून ले रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना है कि नारियल पाउडर को बस हल्का भून लेना है। नारियल पाउडर को ज़्यादा भून देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए मैं नारियल पाउडर को 2 मिनट भून ले रही हूँ। नारियल पाउडर अच्छे से भून गया है तो मैं उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुल क्रीम दूध डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना है कि दूध एक बार में नहीं डालना है। दूध जैसे जैसे नारियल पाउडर सूखता जाएगा वह जूसी होता चला जाएगा। दूध नारियल पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो मैं उसमें दूध पाउडर डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ हमें इस मिश्रण को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई के पेंदे में नारियल पाउडर चिपक कर जल जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि गैस की आंच मीडियम ही रखनी है। अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। अंत में पीसी हुई शक्कर डालकर मीडियम आंच पर मिक्स कर ले रही हूँ। शक्कर की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह सुपर टेस्टी मिठाई बनाने के लिए मिश्रण लगभग तैयार हो गया है और आटे के डो जैसा सिमटने लगा है तो मैं इसे गैस पर से उतार कर ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल के रख दे रही हूँ। मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसे 2 बराबर भागों में बांट ले रही हूँ। मिठाई का लुक बिल्कुल मार्केट जैसे दिखने के लिए इसके एक भाग में 1 चुटकी पीला फूड कलर डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। सफ़ेद और पीला दोनों प्रकार का डो सुपर टेस्टी मिठाई बनाने के लिए बनकर तैयार हो गया है। अब मैं मिठाई बनाना शुरू करती हूँ। तो सफ़ेद वाले मिश्रण को थोड़ा सा लोई लेकर हाथों में मसलते हुए सिलेंडर आकार का शेप दे दे रही हूँ। अब मैं इसी प्रकार के पीले वाले मिश्रण के लोई से 12 सिलेंडर आकार के सेम साइज की मिठाई बना ले रही हूँ।
पूरे मिश्रण से 12 सफ़ेद और 12 पीला सिलेंडर के आकार का मिठाई बना है। देखिए दोनों मिठाई बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे बिल्कुल मार्केट जैसी टेक्सचर लाने के लिए एक पीला और एक सफ़ेद मिठाई लेकर दोनों हथेलियों की सहायता से चिपका ले रही हूँ। यह बहुत आसानी से चिपक जाता है। फिर मैं इसे मिठाई की कटोरी में रख दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना सुपर टेस्टी हलवाई की बनी बाजार जैसी मिठाई। ऐसे ही मैं सारे पीले और सफ़ेद मिठाई को चिपकाकर एक प्लेट में रख दे रही हूँ। अगर आपके पास लड्डू वाली छोटी कागज़ की कटोरी है तो आप उसमें रखकर सेट कर दीजिए तो बिल्कुल मिठाई दुकान वाली लुक आएगी। इसी प्रकार मैं सारे मिठाई को लड्डू की कटोरी में सेट करके रख दे रही हूँ। अंत में मैं पिस्ता के बारीक टुकड़ों से सुपर टेस्टी मिठाई को गार्निश कर दे रही हूँ। पिस्ता को मिक्सर में दरदरा ग्राइंड कर ली हूँ। ऐसे ही मैं सारे मिठाई को पिस्ता के बारीक टुकड़ों से गार्निश कर दे रही हूँ। तो इस जन्माष्टमी या फिर किसी भी व्रत त्यौहार में या घर पर ही बहुत ही कम सामग्री में और बहुत ही कम खर्चे में बिल्कुल बाजार जैसे दिखने वाली सुपर टेस्टी मिठाई बना सकते हैं। देखिए कितना जल्दी एकदम शुद्ध और हलवाई की बनी बाजार जैसी सुपर टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।